वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीइंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम दैट इज CRS इन केस ऑफ मॉडुलो m। जैसे कि हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं नंबर थ्योरी का, जो 4.1 थी वो तो थी एलर फंक्शन से रिलेटेड, और जो 4.2 एक्सरसाइज है वो है रेसिड्यू सिस्टम से रिलेटेड। इसके अंदर आप दो रेसिड्यू सिस्टम पढ़ोगे, एक तो कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम और एक आप पढ़ोगे रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम। आज हम कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम करेंगे और कल के लेक्चर में हम रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेसिड्यू क्या होता है। आई थिंक जो कॉन्ग्रुएंस का हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, कॉन्ग्रुएंस में डेफिनेशन आ चुकी थी रेसिड्यू की। रेसिड्यू नथिंग हमने कहा था कि एक तरीके से उसका रिमाइंडर ही होता है। मतलब रेसिड्यू की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने, अगर ए और बी दो इंटीजर हैं जो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, किसमें, मॉडुलो एम में, मॉडुलो एम में, ठीक है, तो बी को ए का रेसिड्यू कहा जाएगा। और हमें ये पता है जो कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन है सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता है, यानी अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी ए के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, किसमें, मॉडुलो एम में, ठीक है, या मोड एम में, जो कि हम मोड एम से डिनोट कर रहे थे। यानी अगर बी ए का रेसिड्यू है तो ए भी बी का क्या होगा, रेसिड्यू। रेसिड्यू नथिंग बट मतलब एक दूसरे के अगर वो कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रेसिड्यू कहलाएंगे। क्योंकि हमें पता था कि अल्टीमेटली कोई भी इंटीजर हो वो अपने ही रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है, किसमें, मॉडुलो एम में, ठीक है। यानी जो बी है वो नथिंग बट किसका काम करता है, रिमाइंडर का काम ही करता है, मतलब रेसिड्यू जो चीज बची हुई है, तो यानी वो रिमाइंडर का ही काम करता है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया रेसिड्यू। सेम जब बी ए के कॉन्ग्रुएंट है, यानी बी को आप एम से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर कितना आएगा, ए ही आएगा, मतलब वो ए के ही कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बी आर के कॉन्ग्रुएंट कहो या बी ए के कॉन्ग्रुएंट कहो, बात सेम आएगी, क्योंकि हम थ्योरम कर चुके हैं, ठीक है। यानी रेसिड्यू का जस्ट मीनिंग यही होता है कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मोड एम में तो बी को, बी जो है वो ए का रेसिड्यू बोला जाएगा, या फिर आप ए को भी बी का रेसिड्यू बोल सकते हो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस जो है वो सिमेट्रिसिटी को क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। अब आते हैं लीस्ट रेसिड्यू सिस्टम, लीस्ट रेसिड्यू, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंस में, क्वेश्चन भी किया था कि 282 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे उसका लीस्ट रेसिड्यू बताओ। रेसिड्यू मतलब एक टाइप से आपसे क्या पूछ रहे, रिमाइंडर। लिस्ट रेसिड्यू क्या होता है, सबसे छोटा, मतलब आपको क्या करना है, सबसे छोटा जिसके वो नंबर क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट। अब हमें पता है कि कोई भी इंटीजर अपने ही रिमाइंडर के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, किसमें, मोड एम में, ठीक है। अगर ए किसी अनदर नंबर के कॉन्ग्रुएंट है सी के मोड एम में, और कंडीशन ये है जो सी है वो कैसा इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, सी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसके एक कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है, वो कौन होगा, उसका रिमाइंडर। यानी सबसे छोटा रेसिड्यू, रेसिड्यू क्या होता है, जिसके वो कॉन्ग्रुएंट होता है, तो सबसे छोटा रेसिड्यू कौन होगा, और रिमाइंडर ही होगा, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर ए आर के, मतलब ये तो हमें पता है कि नंबर अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अगर ए किसी अनदर नॉन नेगेटिव इंटीजर के कॉन्ग्रुएंट है, सपोज सी के कॉन्ग्रुएंट है, किसमें, मोड एम में, तो इसका मतलब क्या होगा, आर सी से क्या होगा, छोटा होगा, या आर सी के इक्वल होगा। मतलब सी जो है वो आर के राइट साइड में हो सकता है, सी आर के लेफ्ट साइड में नहीं हो सकता। जैसे कि हम ये देखें कि जो फोर है, फोर मोड थ्री में, ठीक है, हमें कौन से चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो, ठीक है। अब 4 देखो, 0 के तो कॉन्ग्रुएंट है नहीं 3 में, 4 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 3 में, क्योंकि 3 जो इनके डिफरेंस को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब और देखो किसको डिवाइड कर रहे हैं, जो 4 है वो 4 के भी कॉन्ग्रुएंट है मोड 3 में, सही है। 4 जो है वो 7 के भी कॉन्ग्रुएंट है, किसमें, मोड 3 में। तो आप देख सकते हो कि सबसे छोटा नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसके वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है वो इसका रिमाइंडर ही है। बाकी जो रेसिड्यू आएंगे वो इससे क्या आएंगे, बड़े ही आएंगे। इसलिए जो लीस्ट रेसिड्यू है नथिंग बट क्या होते हैं,
रिमाइंडर ही होता है कि 4 को आप 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो ये क्वेश्चन था, जैसे 282 को जब मतलब मोड 11 में आप काम करोगे तो कहते कि लीस्ट रेजिड्यू निकालो, तो यानी आपसे ही इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे, रिमाइंडर ही पूछ रहे, यानी 282 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर पूछा जा रहा है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये 11 दूनी 22, 6 बज गया, 11 पंजे 55, यानी 7 बजेगा, यानी लीस्ट रेजिड्यू किसका, 282 का, किसने मोड 11 में, कौन होगा, 7 होगा। तो ये था लीस्ट रेजिड्यू। अब जो रेजिड्यू सिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं CRS मोड M के अंदर और एक होता है RRS, ठीक है। CRS जो है, दिस इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, ठीक है। और जो RRS होता है, दिस इज रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, ठीक है। आज हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम पढ़ेंगे और कल हम रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। ठीक है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का मतलब क्या है, कंप्लीट सबसे पहला वर्ड है कंप्लीट, सेकंड वर्ड है रेजिड्यू, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारे ही रेजिड्यू आ जाएं, कंप्लीटली रेजिड्यू हो, मतलब कंप्लीटली रेजिड्यू का ही सेट हो, उस सिस्टम को आप क्या बोलोगे, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। मतलब क्या है, आप किसी भी नंबर को जब एम से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचने के जितने भी चांस है ना वो सारे लिख दो, मतलब रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कंप्लीट रिमाइंडर का सेट बना दो। यानी क्या हो जाएगा, एक तो 0, एक 1, 2, 3, 4 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, M-1, दिस इज नथिंग बट, याद हो, ZM ही होता है, ठीक है। मतलब कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का मतलब क्या है, ऐसा सेट जो कि क्या हो, उसके अंदर हर एक रिमाइंडर आ जाए, जब आप उसको एम से डिवाइड करो, अगर कोई भी रिमाइंडर ना छूटे तो उस सिस्टम को आप क्या बोलोगे, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, मतलब उसके अंदर कंप्लीटली रेजिड्यू ही आने चाहिए, हर एक रेजिड्यू उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, कोई एक भी रेजिड्यू अगर उसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब वो CRS नहीं बनाएगा। जैसे कि हम मोड 3 में बात करते हैं, मोड 3 में आप देखोगे, यानी Z3 में आप देखोगे, रिमाइंडर जब, यानी किसी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचने के चांसेस क्या होते हैं, या तो 0 है, या 1 हो सकता है, या रिमाइंडर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। अब हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, सपोज 9, 11 और 30। तो आप 9 देखो, मोड 3 में किसका काम करते हैं, 0 का काम करते हैं, क्योंकि 9 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी 9 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब 11 जो है, 11 किसका काम करेगा, 11 मोड 3 में 2 का काम करेगा, और जो 13 है वो किसका काम करेगा, 1 का काम करेगा। तो देख सकते हो आप, सारे रिमाइंडर आ गए, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया और 2 भी आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज ए CRS, किसमें, मोड 3 में, मोड 3 में। जैसे कि हम और एग्जांपल करते हैं, सपोज ये ले लिया 9, 11, 12, ठीक है। अब देखो 9 तो किसका काम करेगा, 0 का काम करेगा, 11 किसका काम करेगा, 2 का काम करेगा, और 12 भी किसका काम करेगा, 0 का काम करेगा, यानी इसके अंदर एक रिमाइंडर नहीं आ रहा, जो कि कौन सा है, 1, यानी 1 इसके अंदर नहीं है, यानी ये कंप्लीट रिमाइंडर का सेट नहीं है, इसके अंदर हर एक रिमाइंडर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये CRS नहीं है, दिस इज नॉट ए CRS, ठीक है। जैसे कि और करते हैं, सपोज 9, ठीक है, 11 और सपोज 15, 16, ठीक है। 9 किसका काम करेगा, 0 का, 11 काम करेगा, 2 का, 16 किसका काम करेगा, 16 काम करेगा, 1 का, तो दिस इज ए CRS, ठीक है। यानी इसके अंदर हर एक रिमाइंडर आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, मतलब ओवरऑल जो सेट है ना वो ZM का ही काम करना चाहिए, ऑर्डर जरूरी नहीं कि सेम हो, जैसे 9 है वो 0 का काम करे, 11 2 का काम करे, और 13 किसका काम कर रहे हैं, 1 का काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो ये सेट है और ZM जो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट ही होने चाहिए, तो उस सिस्टम को आप क्या बोल दोगे, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम।
सिस्टम, ठीक है, यानी कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम में एक तो आप देख सकते हो कि वो ZM के ही इक्विवेलेंट होने चाहिए, यानी उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए, M एलिमेंट होने चाहिए, यानी A1, A2 और AM एलिमेंट होने चाहिए अगर आप इसको CRS बोल रहे हो। तो सबसे पहले कंडीशन है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, M एलिमेंट होने चाहिए, पहली कंडीशन है M एलिमेंट हो, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन से पहले एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि सिर्फ हम ये ले लेते हैं 9 और 11, 9 मोर 3 में 0 का काम कर रहे हैं, 11 जो मोर 3 में 2 का काम कर रहे हैं, यानी यहाँ 1 का कोई भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये CRS नहीं बनेगा। और वैसे भी देख सकते हो कि Z3 में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 आएंगे, तो इसमें 3 एलिमेंट नहीं है, यानी ये CRS नहीं होगा। तो जिसको भी आप CRS कह रहे हो उसके अंदर एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट होने चाहिए जिस मोड में आप काम कर रहे हो। अगर 3 में काम कर रहे हो तो 3 एलिमेंट होने चाहिए, 4 में काम कर रहे हो तो 4 में, इस तरीके से अगर आप मोड M में काम कर रहे हो तो कितने एलिमेंट होने चाहिए, M एलिमेंट होने चाहिए। सेकेंड कहते हैं कि कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, मतलब सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, मतलब हम मोड M में कह सकते हैं कि सारे के सारे इनकोंग्रुएंट होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो 0, 1, 2, ठीक है, ये तीनों क्या है, डिफरेंट है, मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आप चेक कर सकते हो 0, 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसमें, मोड 3 में, ठीक है, ना ही 1, 2 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 3 में, ठीक है। और सेम आप चेक कर सकते हो कि 2 जो है वो भी 0 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसमें, मोड 3 में, मतलब जिसको आप कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बोलने वाले हो, एक तो कंडीशन ये थी कि उतने ही एलिमेंट होने चाहिए जिस मॉडलों में आप काम कर रहे हो, सेकंड वो सारे ही एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, कोई भी रिपीट ना हो, रिपीट ना होने का मतलब है सारे ही आपस में क्या होने चाहिए, इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। जैसे कि ये एग्जाम्पल क्या था, 9 और 12, जो 9 और 12 है वो मोड 3 में एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि 3 जो है वो डिवाइड करते हैं किसको, 9 माइनस 12 को, कि आप देख सकते हो कि दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये CRS नहीं है, ठीक है। CRS के लिए क्या कहता है कि CRS में हर एक एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, यानी कोई भी दो एलिमेंट आपस में सेम नहीं होने चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, यानी AI इज इनकॉन्ग्रुएंट टू AJ किसमें, मोड M में। 4 i not equal to j, अगर i j के बराबर हो जाता तो AI जो है वो AI के तो कॉन्ग्रुएंट होता ही मोड M में, ये रिफ्लेक्सिव होता है क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, हम देख चुके हैं। और कोई भी नंबर अपने आप के क्या मिलेगा आपको, यानी कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, चेक कर सकते हो M डिवाइड करेगा 0 को, ठीक है। तो AI AJ के इनकॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसमें, मोड M में, 4 i not equal to j, और जहां i और j की वैल्यू कहां तक होगी, 1 से लेकर के M तक होगी, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है, थर्ड जो है इन दोनों में ही मिली हुई है, मतलब आप कह सकते हो कि थर्ड जो है एक्स्ट्रा पॉइंट ही है, क्योंकि अगर 1 और 2 ही सेटिस्फाइड होगी तो थर्ड ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगी। थर्ड क्या कह रही है, थर्ड कहता है कि आप कोई भी आप इंटीजर लो, बी जो है कोई भी हमने इंटीजर ले लिया, ठीक है, बी इंटीजर ले लिया, तो वो कहता है कि उसके करेस्पोंडिंग आपको एक AI मिलेगा, सच दैट जो बी है वो AI के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसमें, मोड M में, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं, बी कोई भी इंटीजर लो, कम से कम एक AI तो मिलेगा जिसको आप CRS कह रहे हो, उसमें से एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसके कॉन्ग्रुएंट बी हो जाएगा किसमें, मोडुलो M में। अभी ऐसा क्यों होगा, अब हमें ये पता है कि अगर ये CRS है, मतलब कोई भी सिस्टम CRS है, तो दिस इज नथिंग बट किसके इक्विवेलेंट है, 0 से लेकर के M माइनस 1 के ही इक्विवेलेंट है, मतलब सारे रिमाइंडर्स ही है इसके अंदर, कोई बाहर नहीं है, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो सकता है, हो सकता है कि A1 2 का काम कर रहा हो, A2 0 का काम कर रहा हो, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, लेकिन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है जिसमें ZM में एलिमेंट है, मतलब ये नथिंग बट क्या है, इंटीजर ही है। अगर आप सॉरी दिस इज नथिंग बट क्या है, रिमाइंडर ही है। अगर आप बी कोई भी इंटीजर लोगे तो हमें पता है कि कोई भी इंटीजर अपने ही रिमाइंडर के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं किसमें, मोड M में, और जो रिमाइंडर है वो नथिंग बट इन्हीं AIs में से एक है,
तो यानी बी जो है किसी एक एआई के आपको क्या मिलेगा, कॉन्ग्रुएंट मिलेगा किसमें, मोड एम में। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये ले लेते हैं 9, 11 और ये 13। ठीक है, ये हमें पता है कि सीआरएस बनाता है किसमें, मोड 3 में। ठीक है, तो सीआरएस बना रहा है मोड 3 में, तो क्या कह रहा है कि पहले तो 3 ही एलिमेंट है, ठीक है, 3 एलिमेंट भी हैं और सारी चीजें ठीक है, आपस में सारे क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट। थर्ड देखते हैं कि क्या इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। कहते हैं कि कोई भी आप इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लिया, सपोज एक हमने ले लिया 47, ठीक है, सपोज एक ले लिया 51, ठीक, और एक हमने ले लिया सपोज 32, कोई भी रेंडमली उठा लिए। तो कहते हैं कि कोई भी आप इंटीजर लोगे ना, कम से कम एक एआई के जरूर कॉन्ग्रुएंट मिलेगा इनमें से। जैसे 47 है, जब आप इसको मोड 3 मतलब 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 47 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 के कौन कॉन्ग्रुएंट था, 11, यानी 11 भी 2 के कॉन्ग्रुएंट है किसमें, मोड 13 में। ठीक है, और सिमेट्रिसिटी का यूज करें तो 2 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, 11 के, किसमें, मोड 13 में। अब सिमेट्रिसिटी मतलब आप ट्रांजिटिविटी का यूज कर सकते हैं, ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी 47 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 11 के, किसमें, मोड 3 में। 3 में काम कर रहे थे, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, मतलब 47 किसी एक एआई, एआई कौन सा मिल गया, A2, A2 के क्या हो चुका है, कॉन्ग्रेंट हो चुका है किसमें, मोड 3 में। ठीक है, अब बात करते हैं 51। 51 जो है मोड 3 में, जब 51 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। आल्सो जो 0 है वो 9 के भी कॉन्ग्रेंट है किसमें, मोड 3 में, क्योंकि 9 को जब 0 से 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितने आने वाला है, 0 ही आने वाला है। फिर से ट्रांजिटिविटी सिमेट्रिसिटी का यूज करके 51 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, 9 के मोड ऑफ 3 में। 9 मान लो A1 है, यानी 51 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, A1 के, किसमें, मोड ऑफ 3 में। ठीक है, अब 32 लेते हैं, 32 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, 32 मोड 3 में, जब आप 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 का काम कौन कर रहा है, 11 कर रहा है, यानी 32 किसकी कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, A2 के ही कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। मतलब कह रहा है कि आप कोई भी इंटीजर लो, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो, ठीक है, वो किसी ना किसी इनमें से एक एआई के जरूर कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, वो ऑब्वियस है, क्योंकि ये नथिंग बट रिमाइंडर ही है, और कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर के ही कॉन्ग्रुएंट होता है, और रिमाइंडर इनसे बाहर जाने वाला नहीं है, इसके अंदर सारे ही रिमाइंडर प्रेजेंट है। अगर एक भी इसके अंदर रिमाइंडर नहीं होता तो ऑब्वियस है कि ये सीआरएस नहीं बनता। तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, सिंपल लैंग्वेज में कहें, दिस इज नथिंग बट सारे ही रेजिड्यू का सिस्टम होता है, मतलब उसके अंदर हर एक जो रिमाइंडर है वो प्रेजेंट होना चाहिए। एक भी रिमाइंडर रह गया तो यानी वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं बनेगा। दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम जिसको बोल रहे हैं, नथिंग बट वो ZM के ही इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब 0 से लेकर के M-1, उसके अंदर हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड, जब उसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग ऐसे कहोगे एग्जैक्टली, तो उतने ही एलिमेंट होने चाहिए जिस मॉडलों में आप काम कर रहे हो। सेकंड कहता है कि सारे ही क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी सारे एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। थर्ड कहते हैं कि कोई भी आप इंटीजर लो, ठीक है, वो फर्स्ट और सेकंड का ही कॉम्बिनेशन है, कोई भी आप इंटीजर लो वो किसी एक एआई के क्या मिलेगा, कॉन्ग्रेंट, क्योंकि कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रेंट है, और रिमाइंडर जो है सीआरएस में ही पड़ा है, और सीआरएस में मतलब एलिमेंट को क्या कह रहे हैं, एआई, यानी बी किसके कॉन्ग्रेंट आ रहा है, इनडायरेक्टली एआई के कॉन्ग्रेंट आ रहा है, किसमें, मोड एम में। ठीक है, तो ये था सीआरएस का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि एक मॉडुलो में सीआरएस कितने पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे आप एक 3 का देखो, 3 का सीआरएस ये बनेगा 0, 1, 2, सबसे छोटा सीआरएस ये बनेगा 0, 1, 2, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट हो। ठीक है, और देखो आप 2, 3, 4, ठीक है, चेक कर सकते हो, 4, 5, 6, कोई भी आप कंजक्टिव तीन तीन नंबर्स का सेट लो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये भी सीआरएस है। आप ये भी चेक कर सकते हो, 3 में 2 का काम करेगा, ये 0 का काम करेगा और ये 1 का, यानी ये भी सीआरएस है।
ये वन का काम करेगा, ये टू का, ये जीरो का, ये भी सीआरएस है, ये वन का काम करेगा, ये टू का काम करेगा, ये जीरो का, ये भी सीआरएस है, ठीक है, ये वन का काम करेगा, ये टू का, ये जीरो का, ये भी क्या है सीआरएस, मतलब आप कोई भी कंजक्टिव थ्री इंटीजर्स लो वो आपको श्योरली ही क्या मिलेगा, सीआरएस मिलेगा। यानी अगर आप कोई भी कंजक्टिव एम इंटीजर्स ले रहे हो, ठीक है, मोडुलो एम के अंदर, वो आपको सीआरएस मिलेगा ही। तो कितने कंजक्टिव नंबर्स आप बहुत सारे ले सकते हो, यानी कितने सीआरएस पॉसिबल है, इनफाइनाइट सीआरएस पॉसिबल है। इनफैक्ट कंजक्टिव के अलावा भी आप ढूंढ सकते हो, जैसे कि हमने ढूंढना 9, 11, 13, ठीक है, और आप ढूंढ सकते हो जैसे कि थर्ड एक ले लिया 15, ठीक है, और 15 सपोज एक ले लिया है 17 और एक 19, ये भी क्या बनेगा सीआरएस। तो सीआरएस कितने पॉसिबल हो सकते हैं, इनफाइनाइट सीआरएस पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट एक थ्योरम है, थ्योरम क्या कह रही है कि अगर A1, A2, AM जो ये सेट है, ये क्या बन रहा है सीआरएस, किसमें, मोड एम में, मोड एम में, और के कोई अनदर इंटीजर है जो एम के साथ क्या है को प्राइम है, ठीक है। तो कहते हैं कि इसके हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दो, इसके जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बन रहा था, इसके हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कहते हैं कि ये भी आपको क्या मिलेगा सीआरएस मिलेगा, किसमें, मोड एम में। तो थ्योरम क्या कहती है, अगर आपको एक सीआरएस दिया जाए और कोई इंटीजर दिया जाए जो एम के साथ क्या हो को प्राइम है, तो कहते हैं कि उसके हर एक एलिमेंट को आप के से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आपको क्या मिल जाएगा सीआरएस मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करनी है, पहले इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने ये लिया था 9, 11, 13, ये सीआरएस था किसमें, mod 3 में, सही है। कहते हैं कि कोई भी इंटीजर लो जो 3 के क्या हो को प्राइम, जैसे 4 है, 4 3 के क्या है को प्राइम है, ठीक है। कहते हैं कि सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 36 आ गया, ये 44 आ गया, और ये कितना आ गया 52। कहते कि ये भी सीआरएस बनेगा, चेक करते कि ये सीआरएस है या नहीं। तो 36 आप देख सकते हो किसका काम करेगा, जीरो का काम करेगा, 44 जो है वो किसका काम करेगा, दो का काम करेगा, और 51 जो है वो किसका काम करेगा, एक का काम करेगा, यानी ये भी क्या बन रहा है सीआरएस, ठीक है। ये 4, 3 के साथ जैसे कोई और ले लो, 5 ले लिया 3 के साथ, ये भी को प्राइम है, सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 45, 55 और 65, ठीक है। 45 किसका काम कर रहा है, जीरो का, ये किसका काम कर रहा है, वन का, और ये किसका काम कर रहा है, टू का, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये था 0, 2, 1 था, ये 0, 1, 2, ऑर्डर चेंज कर सकता है, बट सेट क्या है सेम ही है, इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपको एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम दिया जाए और एक अनदर इंटीजर दिया जाए जो एम के साथ को प्राइम हो, तो कहते हैं कि उसके हर एक एलिमेंट को आप के से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वो क्या बनेगा सीआरएस ही बनेगा, ठीक। ये अब हमें प्रूव करना है, तो जो चीज दी हुई है उसका यूज करते हैं। गिवन है कि A1, A2, AM जो ये सेट है, दिस इज ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड ऑफ एम में, ठीक है, और गिवन है कि के एम के साथ को प्राइम है। हमें प्रूव करना है कि K A1, K A2 एंड सोन K AM, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो ए सीआरएस मोड है, ठीक है, ये होना चाहिए। ऑब्वियसली कि के जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर के जीरो हो गया तो इसके अंदर ए की एलिमेंट आएगा, यानी उस केस के अंदर के अगर जीरो है तो एम की वैल्यू वन ही होगी, ठीक है, क्योंकि जीरो और वन का जीसीडी ही वन होगा, ठीक है। के की वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो एम को वन ही होना पड़ेगा, उस केस में सिंगलटन जीरो बन जाएगा, ऑब्वियसली कि वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बनेगा केस में Z1 में, ठीक है। अब हम वो केस करें जहां के नॉन जीरो है। अब देखो ये टोटल कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के लिए पहली कंडीशन थी कि जिस मॉडुलो में आप काम कर रहे हो उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, तो इसमें कितने हैं एम।
अगर आप सभी को आप एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे जो एम से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि मान लो अगर के एम से डिविजिबल हो जाता, मतलब या तो के एम को मतलब के जो है एम से डिविजिबल हो जाता, या दोनों में कुछ चीज कॉमन आ जाती, तो ये जरूरी नहीं था कि आपके एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट मिले जितने कि ये हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल से फिर से करते हैं, ये 9, 11 और कितना दिया हुआ था 13, ऐसा नंबर लेते हैं जो 3 के साथ को प्राइम नहीं है। जैसे कि 6 ले लिया, 6 3 के साथ को प्राइम नहीं है, ठीक है, तो कहते हैं कि 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 54, 66 और ये 78 आ गया। अब देखो ये सारे ही 3 से डिविजिबल है, यानी सब में एक ही एलिमेंट है, कौन सा, 0। तो के एम का जीसीडी 1 है, यानी के एम से डिविजिबल नहीं है, ना ही एम डिविजिबल है किससे, के से। इसका मतलब ये जो है मोड एम के अंदर सारे के सारे ही क्या होंगे, मतलब जो ये है टोटल एलिमेंट कितने रहेंगे, एम ही रहेंगे, मतलब ये आपके एलिमेंट कम नहीं होंगे। ये एम एलिमेंट है तो ये भी कितने एलिमेंट होंगे, एम एलिमेंट होंगे। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट आपस में सेम नहीं होने चाहिए, नहीं सारे डिफरेंट एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, इनकोंग्रुएंट होने चाहिए। यानी हमें प्रूव करना है कि के ए आई के ए जे के क्या होना चाहिए, इनकोंग्रुएंट होना चाहिए, किसमें, मोड एम में, फॉर नोट आई नॉट इक्वल टू जे के, ठीक है, जहां आई और जे की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक हो सकती है, एम तक, ठीक है। इसके एलिमेंट आप देख सकते हो, जस्ट आपका क्या हो रहा है, ए आई चेंज हो रहे हैं, के इंटू में सम ए आई है, तो हमने इसके दो एलिमेंट मान लिए के ए आई और एक मान लिया के ए जे। हमें प्रूव करना है कि इसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इनकॉन्ग्रुएंट, लेकिन हमने उल्टा मान लिया कि इसके दो एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जो कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि एम डिवाइड करेगा किसको, डिफरेंस को, के ए आई माइनस में के ए जे को, ठीक है। और फिर से इसको सोल्व करें, यानी कहता है कि एम डिवाइड करेगा के टाइम्स ऑफ ए आई माइनस में ए जे को, ठीक है। जब भी प्रोडक्ट आ जाए हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। अब एम और के का क्या है, जीसीडी 1 दिया हुआ है, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जिसके साथ जीसीडी 1 है उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट बच गया है एम उसे डिवाइड कर देगा, यानी एम डिवाइड करेगा ए आई माइनस में ए जे को, और डिफरेंस को डिवाइड करने का मतलब ए आई किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, ए जे के किसमें, मोड एम में, ठीक है। यानी कह रहा है कि इसके कोई दो एलिमेंट आपस में सेम है, मतलब रिपीट कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन ये तो क्या था, सीआरएस था। इसका मतलब इसके कोई भी दो एलिमेंट आपस में सेम नहीं हो सकते, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, यानी जो चीज हम लेकर चले हैं वो गलत लेकर चले हैं। हमने क्या माना था कि इसके दो एलिमेंट मिल रहे हैं जो आपस में क्या मिल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट, यानी इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपस में क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी सारे ही एलिमेंट आपस में आपको क्या मिलेंगे, इनकॉन्ग्रुएंट। तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, ठीक है। यानी अगर आपको एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम दिया हो, एक इंटीजर दिया हो जो एम के साथ को प्राइम हो, तो कहते हैं कि सभी एलिमेंट को आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वो क्या बनेगा, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बनेगा, किसमें, मोड एम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, शो दैट द सेट -3, 14, 3, 12, 37, 57, -1, दिस इज ए सी आर एस इन मोड 7, ठीक है। हमें शो करना है कि ये सी आर एस बनना चाहिए मोड 7 में। सी आर एस मतलब सारे ही रिमाइंडर प्रेजेंट होने चाहिए, अगर सारे रिमाइंडर प्रेजेंट है ये सी आर एस बन जाएगा, अदरवाइज ये सी आर एस नहीं होगा। सबसे पहले किसी भी नंबर को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी Z7, ठीक है। यानी हमें शो करने की एक नंबर 0 के कॉन्ग्रुएंट आएगा, एक नंबर 1 का काम करेगा, एक 2 का काम करेगा, एक 3 का, एक 4 का, एक 5 का और एक 6 का। अगर सारे ही मिल जाए तो ये सी आर एस बनेगा, अदरवाइज ये सी आर एस नहीं बनेगा। अब देखो -3, याद हो हमने पहले भी बताया था -3 है, एक बार माइनस साइन इग्नोर करके चलो तो उस नंबर को चेक करो, नंबर क्या बन गया, 3।
अब 3 को 7 तक पहुंचना है तो कितने की कमी रहेगी, 4 की। आपको साइन चेंज कर देने हैं, यानी -3 किसका काम करेगा, +4 का काम करेगा। तो -3 किसका काम करे, +4 का, यानी एक रिमाइंडर तो हमें मिल गया है। अब 14, जब 14 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, यानी आपको 0 भी मिल गई है। अब 3, 3 तो 7 से छोटा है, यानी 3 3 का ही काम करेगा, किसमें, मोड 7 में, यानी 3 भी मिल गया। 12, 12 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 आ गया, यानी 5 भी मिल गया है। 37, 37 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 भी मिल गया है। ठीक है, 57, 57 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ गया। ठीक है, अब -1, यानी आपको साइन इग्नोर करना है, यानी 1। अब आपको देखना है 7 तक पहुंचने के लिए कितने की कमी है, 6 की, तो ये -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, +6, तो यानी ये किसका काम करेगा, 6। तो हर एक रिमाइंडर आ रहे हैं इसके अंदर, इसका मतलब ये कैसा बन गया है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम इन मोडुलो 7। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, राइट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम इन मोड 13 कंपोज्ड एंटायरली मल्टीपल ऑफ 2। आपको मोड 13 में एक सीआरएस लेना है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या हो, 2 के मल्टीपल्स हो, मतलब 2 से डिविजिबल होने चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो आप कोई भी सीआरएस ढूंढ लो किसमें, मोड 13 में, तो ये सीआरएस ले लिया, 0 1 2 से लेकर के कितना बन गया आपका, 12 तक। ठीक है, ये सीआरएस बनेगा किसमें, मोड 13 में, मोड 13 में। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर आपको एक सीआरएस दिया हो, एक नंबर ढूंढ लो जो एम के साथ को प्राइम हो, जैसे 2 है वो 13 के साथ क्या है, को प्राइम है, तो कहते हैं कि उसके नंबर को सभी को के से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 2 4 6 कहाँ तक हो गया, 24 तक। तो ये भी क्या बनेगा, सीआरएस बनेगा उसी मॉडुलो में, यानी मोड 13 में। तो आप चेक कर सकते हो कि इसके जो हर एक एलिमेंट है वो क्या है, 2 के ही मल्टीपल्स आ रहे हैं। ठीक है, और आप ले सकते हो जैसे 2 की जगह 4 भी ले सकते हो, क्योंकि 4 का और 13 का जो जीसीडी है वो भी कितना है, 1 है, तो सभी को 4 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी सीआरएस बनेगा। 6 जो है 13 के साथ क्या है, जीसीडी 1 है, तो सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, और वो भी क्या बनेगा, सीआरएस बनेगा। आप के की जगह 8 भी ले सकते हो, 8 भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है, सभी को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो सीआरएस बनेगा। कोई और ले लो जिसमें कंजक्टिव, आप 13 नंबर्स ले लो, जैसे कि 5 6 7 8 9, ठीक है, 5 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16, आप चेक कर सकते हो कितने नंबर बनेंगे, 5, और ये हो गया है 5 10, और 2 12, और 1 ये 13। ठीक है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करो तब भी ये क्या बनेगा, सीआरएस। अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी सारे एलिमेंट 2 के मल्टीपल आएंगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 2 के मल्टीपल्स आएंगे, 12 से करोगे तब भी 2 के मल्टीपल्स, 14 से करोगे तब भी 2 के मल्टीपल्स, 16 के कर लो, ठीक है, तब भी क्या आएंगे, 2 के मल्टीपल्स आएंगे। तो आप बहुत सारे सीआरएस ढूंढ सकते हो। तो क्वेश्चन इतना दिया हुआ था कि आपको एक सीआरएस निकालना था जिसके अंदर हर एक एलिमेंट 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए, तो आप इसी को सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 10 से, आपकी मर्जी है, तो काफी सारे सीआरएस आ सकते हैं। अब सेम अगर क्वेश्चन दिया जाए कि मान लो आपको एक सीआरएस ही निकालना है लेकिन उसके अंदर हर एक एलिमेंट 2 की जगह 3 के मल्टीपल्स आए, तो 3 जो है हमें पता है कि वो 13 के साथ क्या है, को प्राइम है, तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वो क्या बनेगा, सीआरएस बनेगा। 6 जो है वो भी 3 से डिविजिबल है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे हर एक एलिमेंट को तब भी सीआरएस मिलेगा, क्योंकि 6 जो है और 13 का जीसीडी 1 है, सेम 18 और 13 का जीसीडी भी 1 है, और 18 3 से डिविजिबल भी है, तो सभी एलिमेंट को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी वो क्या बनेगा, सीआरएस बनेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम पढ़ा। कल के लेक्चर में हम रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम देखने वाले हैं कि क्या होते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।